श्रीलंका एयरपोर्ट पे अभी मेरा वीडियो प्ले कर रहा हूँ मैं। वाह भाई वाह, और क्या चाहिए बताओ यार, इतने छोटे फ्लाइट में भी बिल दे रहे हैं। क्या क्या है इसके अंदर वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। राम से तू देख लो, यहाँ से दिख रहा है क्लियरली एकदम। लो जी देख लो, इतने दिन बाद हमारा इंडिया, बहुत मिस किया, बहुत मिस किया। गुड मॉर्निंग एवरीवन, और स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे एक और नए व्लॉग में। और आज का व्लॉग का शुरुआत मैं कर रहा हूँ कोलंबो से। ये मेरा लास्ट डे समझो, तो मतलब अब जा ही रहा हूँ मैं, इंडिया जा रहा हूँ। और अभी मैं फटाफट निकल रहा हूँ एयरपोर्ट के लिए। एक्चुअली हमारा फ्लाइट है 2:15 का, और अभी देख लो ऑलरेडी यहाँ पे 11 बजने वाला है। एयरपोर्ट जाने में भी 1 घंटा लगेगा यहाँ से, तो अभी बिना लेट के भागते हैं जल्दी से। होप कि कुछ छूटा ना हो। मैंने ऑलरेडी उबर बुक करके रख लिया था, काफी छोटा उबर आया है। ओके थैंक यू। ऑलराइट, तो चलो अभी हम लोगों ने कैब ले लिया। कैब मैंने ऑलरेडी बुक कर दिया था, क्योंकि एयरपोर्ट काफ़ी दूर है ना, तो मैं सोच रहा था कि पता नहीं कैब आएगा कि नहीं आएगा, कितने देर में आएगा, लेकिन 1 मिनट में ही आ गया था। ये जो सामने का बीच देख रहे हो ना, यहीं पे हम लोग वॉक करते थे, इसको गाल फेस बोलते हैं। और जितना भी बढ़िया बढ़िया होटल एंड रिजॉर्ट है ना, सब इस वाले साइड में ही है। तो यहाँ से जो एयरपोर्ट है ना, 35 किलोमीटर दूर है। तो देखो कितना टाइम लगता है, ऑलमोस्ट 1 घंटा तो लगना चाहिए, 45 मिनट लगेगा, क्योंकि यहाँ पे रोड अच्छा है। लेकिन आज मंडे है ना, तो अच्छा खासा ट्रैफिक जाम रहेगा, लेट्स सी। वैसे श्रीलंका का रोड के बारे में भाई जितना तारीफ करो उतना कम है, मैंने हर वीडियो में तारीफ किया है। और देख लो एयरपोर्ट लगभग 35 किलोमीटर दूर है, लेकिन इतना कॉन्फिडेंट है कि हाफ एन आवर में पहुंच जाएंगे हम लोग। एक चीज है ना, श्रीलंका में मैक्सिमम जगह मैंने देखा है रोड खाली रहता है। वैसे अपना फ्लाइट है 2:15 का, और एयरलाइन क्या है क्या नहीं है वो अपने टाइटल या थंबनेल में तो देख ही लिया होगा। अगर नहीं देखा तो चलो अभी बता देता हूँ। एयर इंडिया से हम लोग जा रहे हैं, आया था मैं श्रीलंकन एयरलाइन से, कमाल का एयरलाइन था वो भी। उसका सेपरेट वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे आ चुका है, जाके देख लेना, मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा। और अभी मैं वैसे इंडिया तो जा रहा हूँ, लेकिन इंडिया जाने के बाद मैं अभी घर नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि मैं लैंड करूंगा चेन्नई। अभी चेन्नई से देखो मेरा कुछ भी प्लान नहीं है। अभी देखो मैं श्रीलंका के रेलवे में तो बहुत घूमा, थोड़ा सा मैंने अपने इंडियन रेलवे में भी घूमते हुए घर जाऊं, मैं ट्रेन से ही घर जाऊंगा, देखते हैं कैसे कहां से जा सकते हैं। बस यही है, अभी एयरपोर्ट जाते हैं, फिर एक ही बार ये वीडियो को एयरपोर्ट से ही कंटिन्यू करते हैं। लो जी फाइनली एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं हम लोग। अभी टाइम कितना हो रहा है देख लो, 11:30 बज रहे हैं। मुश्किल से मुश्किल हाफ एन आवर लगा होगा मैं यहाँ पहुंचने में। हाँ जी, तो अभी हम लोग एयरपोर्ट के बाहर तो पहुंच गए हैं, मैंने बताया आपको, काफी जल्दी आ गए। वैसे मैं बता दूं, टोटल मैंने पे किया है उबर में 4200 श्रीलंकन रुपीस। आप इसको 4 से डिवाइड करके इंडियन रुपीस में कन्वर्ट कर लेना, ठीक ही है। मतलब होटल वाले बोल रहे थे 12000 रुपये लगेगा, 12000 श्रीलंकन रुपीस लगेगा, लेकिन हम लोग 4200 में ही आ गए। तो ऐसा है कुछ, देख लो कोलंबो का इंटरनेशनल एयरपोर्ट, काफी छोटा सा एयरपोर्ट लग रहा है मेरे को तो ये। अच्छा, यहाँ से मदुरई का भी डायरेक्ट फ्लाइट है, वो अपना चेन्नई 2:15 चेक इन। चलो ऑलमोस्ट अपना 10-12 दिन लंबा ट्रिप होता है खत्म यहाँ पे। अच्छा लगा यार, मतलब श्रीलंका घूमकर काफी अच्छा लगा, स्पेशली हम लोग को बहुत अच्छा लगा नुवारा एरिया, वो वाकई में काफी खूबसूरत था। यहाँ का एयरपोर्ट का सिस्टम थोड़ा सा यूनिक लगा मेरे को, एंटर करते ही सिक्योरिटी चेक हो गया। मतलब देख लो सारा अपना सामान वगैरह रख दिए थे हम लोग, लेकिन ये तो चेक इन में जाएगा ना। देख लो बैग वगैरह सब कुछ रखवा दिया था इन्होंने, तो एंटर करते हैं यहाँ पे हो जाता है सिक्योरिटी चेक। देख लो मेरा लैपटॉप बैग भी यहीं पे था, और कुछ भी मैंने निकाला नहीं है, अभी देखते हैं आगे होता है कि नहीं सिक्योरिटी चेक। चलो जी यहाँ से अपना डिपार्चर है, अभी यहाँ पे एंटर करते हैं, आपको देख लो फॉरेन करेंसी एक्सचेंज का काउंटर दिख जाएगा। मेरे पास भी कुछ है, हम सोच रहे एक्सचेंज करवा लें। आपके पास जो कैश बचा है या तो सोवेनियर शॉप में खर्चा कर दो, या तो यहाँ पे एक्सचेंज करवा लो। मैंने बैंक ऑफ सीलन से ही करवाया था, सोच रहा हूँ यहीं पे करवा लो एक्सचेंज, और घर वालों के लिए तो ऑलरेडी मैंने ले लिया है। हाँ जी, तो मैंने बैंक ऑफ सीलन से ना करेंसी अपना एक्सचेंज करवा लिया है, जो मेरे पास एक्स्ट्रा श्रीलंकन रुपीस पड़ा हुआ था। कितना था, 34,000 ना, तो मेरे पास 34,000 था, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे 7,600 रुपीस मिला है इंडियन रुपीस में, और 1.5% कमीशन डिडक्ट भी हुआ है यहाँ पे, तो ये सीन है यहाँ पे। तो चलो मिल गया मुझे इंडियन रुपीस का, अब जरूरत है क्योंकि अब चेन्नई में श्रीलंकन रुपीस में क्या करूंगा। बाकी तो सब कुछ हो गया, अभी जाते हैं इमिग्रेशन करवाते हैं, और भी क्या क्या प्रोसेस है पता नहीं, देखते हैं आगे जो भी रहेगा आपको बताते हैं। लो भाई साहब, एक और बार वापस हमारा सिक्योरिटी चेक हो गया है, पता नहीं दो बार वापस से सब कुछ चेक हुआ। लाइन देख लो ऑलरेडी, तो देख लो अपना एयर इंडिया का काउंटर यहाँ पे है, काउंटर नंबर 42 से 46, और क्या भसड़ मचा हुआ है देखो भाई साहब। जबकि ये सारा काउंटर पूरा खाली है, पूरा खाली है, ले सकते हैं काउंटर, ऐसा बात नहीं है ये, क्योंकि काउंटर चेंज होते रहते हैं। भाई साहब वहाँ पे अच्छा खासा लाइन था, लेकिन एक चीज़ है, जिसका ऑनलाइन चेक इन था ना उसके लिए अलग से काउंटर था, तो अपना काम तो हो गया, नहीं तो अभी तक लाइन पे ही खड़ा होना पड़ता है। ये बोर्डिंग पास पे मिल गया हमें। हाँ जी, तो हमारा सारा चीज हो गया, सिक्योरिटी चेक बोलो, इमिग्रेशन बोलो, सब कुछ हो गया है। इमिग्रेशन में तो एग्जिट के टाइम वैसे भी कुछ पूछते नहीं है। और अभी देख लो मेरे पीछे मेरे को दिख रहा है मसाज सेंटर, भाई साहब एयरपोर्ट के अंदर मसाज हो रहा है। अच्छा एयरपोर्ट है, बाहर से काफी छोटा सा एयरपोर्ट लग रहा था, लेकिन अंदर से काफी कुछ है। अंदर में खाने पीने का भी ऑप्शन बहुत सारा है, मुझे सबसे अच्छा लगा वो जो वेलनेस एंड फिक्स है ना, वो बहुत अच्छा लगा। यही अपने पास टाइम बहुत कम है भाई साहब, ये जो श्रीलंका कोलंबो एयरपोर्ट है ना,
ये बस देखने में छोटा है भाई बाहर से, आप अंदर आओगे ना, मतलब मैं बता रहा हूँ किसी एयरपोर्ट में मैंने मतलब 5-6 लाउंज तो एक साथ नहीं देखा। हो सकता है बहुत सारे एयरपोर्ट में होगा, मैं देखा नहीं हूँ शायद, लेकिन कोलंबो एयरपोर्ट में हमें मतलब अंदर एंटर करते करते 5-6 एयरपोर्ट लाउंज दिख गया है, अभी आगे का नहीं पता हमें। काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट है और काफ़ी सारा ब्रांड भी है, अच्छा टाइम पास हो जाएगा अगर इधर आते हो तो। मैं बताया ना अंदर में स्पा सेंटर भी है, मतलब मसाज सेंटर भी है, तो वहाँ भी आप टाइम पास कर सकते हो। और ये देख लो काफी खुला खुला टाइप का एयरपोर्ट है। हाँ जी, तो अपना जो गेट है ना वो वाला है 6-7, और यहाँ पे देख लो ऐसे ना ऐसे कंप्यूटर लगा हुआ है, आप अपना कुछ काम वगैरह भी कर सकते हो या फिर इंटरनेट ब्राउजिंग भी कर सकते हो। देख लो इंटरनेट कम्युनिकेशन कोलंबो एयरपोर्ट श्रीलंका विद कॉम्प्लीमेंट, गूगल चेक करते हैं गूगल में क्या क्या दिखा रहा है। अपना नाम सर्च करते हैं पहले MO, ये देख लो मैं मोइन साइड हिट, अभी हिट पूरा लिखा भी नहीं हूँ, मोइन साइड हिट यूट्यूब, मोइन साइड हिट बर्थडे, मोइन साइड हिट इंस्टाग्राम, एज, एड्रेस, वाइफ नेम, ट्विटर, फोन नंबर। भाई साहब क्या क्या सर्च होता है। ओ भाई साहब देख लो यहाँ पे पूरा मेरा फोटो दिखने लगा, ये मेरा फेवरेट फोटो है, लेकिन देख लो मेरा नीचे बायोग्राफी भी दिख रहा है, वाइफ नेम लवली। ओ भाई साहब ये सब कौन डाला हुआ है, रियल नेम मोहित सिंह, निक नेम मेरा मोहित नहीं है ये गलत है, बर्थ प्लेस लीलवा आवड़ा, ठीक है थोड़ा बहुत, मंथली इनकम। श्रीलंका एयरपोर्ट पे अभी मेरा वीडियो प्ले कर रहा हूँ मैं, वाह भाई वाह। ऑल राइट, तो अपना ये वाला फ्लाइट है देख लो 2:15 का चेन्नई, गेट ओपन दिखा रहा है, जाना चाहिए यार भागो। अपना एक्चुअली ये वाला गेट है 6-7, मतलब A7 अपना गेट है, गेट भी ओपन हो गया। हर बार यही हो रहा है ना हम लोग का, इस बार का पूरे ट्रिप में यही हुआ। लो जी हमारा फ्लाइट भी आ चुका है अभी, और यहाँ का पूरा सिस्टम ही अलग है भाई, ऐसा मतलब मैंने बहुत सारा चेक इन किया है अलग अलग, बाहर भी किया, इंडिया से बाहर भी किया है, इंडिया में भी किया है। इनका एक तो पहले मतलब 2 बार सिक्योरिटी चेक होता है, 3 बार, 2 बार सिक्योरिटी चेक हुआ, और एक बार जब मतलब फ्लाइट का जो गेट होता है ना, मतलब जैसे हम लोग का गेट नंबर होता है फ्लाइट गेट नंबर, तो वहाँ पे जब एंटर कर रहे थे तो वहाँ पे पूरा सिक्योरिटी चेक जैसे होता है ना, लैपटॉप वगैरह सब एक ट्रे में रखो, वैसे हुआ। सोचो 2 बार ऑलरेडी हो चुका है, फिर 3रा बार हुआ चेक, उसके बाद वो करने के बाद एक ऐसा एरिया है देख लो, खुला सा एरिया है, यहाँ पे अभी हम लोग बैठ गए हैं और अपना फ्लाइट भी आ गया है इंडिया। देख लो वैसे अपना फ्लाइट नंबर देख लो AI 272 है चेन्नई के लिए, कितना 40-45 मिनट का फ्लाइट होगा। वो यहाँ भी चेक इन है क्या, बैक टू बैक चेक इन, हाँ चेक इन हो रहा है देखो आगे में भाई, यहाँ भी चेक इन हो रहा है भाई, ये लेकिन 4 बार चेक इन होने वाला है अगर यहाँ होता है तो, क्योंकि यहाँ पे किसी किसी का चेक इन हो रहा है। भाई साहब मेरे पीछे देख लो वापस एक चेक इन हो रहा है, मतलब टोटल 5 बार चेक इन हुआ, चलो ये हमारे सेफ्टी के लिए ही हो रहा है, लेकिन यार 5 बार चेक इन भाई, इतना चेक मेरा कभी किसी फ्लाइट में नहीं हुआ अभी तक, ये लेके मेरा 4 या 5 इंटरनेशनल जर्नी हो गया है, डोमेस्टिक तो पता नहीं कितने बार, लेकिन इतना चेक इन कभी नहीं हुआ। फिर से हुआ क्या? अब कहीं भी स्टॉप हो रहा है तो लग रहा है कि चेक इन होगा। लवली का तो फिर भी कम, मेरा तो पूरा ही खोल दिया था उन्होंने, क्योंकि मेरा में लैपटॉप वगैरह बहुत ज्यादा होता है ना इसलिए। हाँ जी, तो ये जो सीट देख रहे हो ना ये इनका बिजनेस क्लास है, ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, जाके देख लेना, आई बटन में लिंक मिल जाएगा। वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस था मेरा यार, विस्तारा का भी काफी कमाल का था, एयर इंडिया तो खैर था ही अच्छा। और ये स्टार्ट हो गया अपना क्लास इकोनॉमी क्लास, और ये फ्लाइट भी मेरे को काफी चीप में मिल गया इसलिए मैंने ले लिया, अदरवाइज इस सेम रेट में मेरे को श्रीलंकन एयरलाइन में मिल रहा था, लेकिन ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया था इसलिए मैंने इंटरनेशनल एयर इंडिया का फ्लाइट ले लिया, ताकि अपना एक्सपीरियंस शेयर कर पाऊँ कि एयर इंडिया का इंटरनेशनल सर्विस सब कैसा है, हालांकि फ्लाइट काफी छोटा होने वाला है लेकिन फिर भी। ऑलराइट, तो अभी अपने सीट में बैठ गया है, और आज भी एक चीज सरप्राइज हो गया कि मैं लवली को खुद से दे रहा था जाओ बैठ जाओ, वो बोले कि नहीं नहीं ऑलरेडी देखा हुआ है, सेम व्यू मिलेगा, तुम ही बैठ जाओ, बोले बहुत बढ़िया भाई। वैसे देख लो ये मिडिल में बैठी है, और ये अपना विंडो है, विंडो क्लीन है, थोड़ा सा साफ करना पड़ेगा, एयर इंडिया जॉब वॉब है तो दे दो यार, खुद से सब कुछ करना पड़ता है, ठीक है इतना क्लीन भी ठीक है, एटलीस्ट बाहर का व्यू दिखा पाऊंगा मैं। बाकी लेग स्पेस देख लो, अच्छा खासा लेग स्पेस है, लेकिन श्रीलंकन एयरलाइन का थोड़ा ज्यादा था ना, थोड़ा ज्यादा था, मतलब 19-20 का फर्क होगा। बाकी फ्लाइट देखो काफी पुराना फ्लाइट है, ये सब देखकर आपको आइडिया लग रहा होगा, अभी मैंने चेक किया ये जो फ्लाइट है ना 14 साल पुराना फ्लाइट है। ये ट्रे टेबल देख लो, इसको ऐसे आप एडजस्ट भी कर सकते हो। एयर इंडिया का कुछ और जो फ्लाइट सब होता है ना वो बेटर है, ये नॉर्मल है। जैसे श्रीलंकन एयरलाइन में देखो टाइम पास के लिए बड़ा सा स्क्रीन था, इंफोटेनमेंट सिस्टम, हाँ वो इंफोटेनमेंट सिस्टम था, ऊपर से अच्छे से काम भी कर रहा था तो अच्छा टाइम पास हो रहा था, और ऊपर में देख लो भाई AC बैंड वगैरह, जैसा नॉर्मल डोमेस्टिक फ्लाइट होता है वही सेम फ्लाइट है। बाकी ये देखना है कि एयर इंडिया इतने छोटे जर्नी में हमें खाना पीना कुछ देता है कि नहीं देता है, अगर देता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं देता है तो फिर। और मेरे को ऐसा लगता है ना कि अपना एयर इंडिया में बहुत ऐसा फ्लाइट है जिसको अब रिटायर का जरूरत है, मतलब अब थोड़ा सा नया फ्लाइट का जरूरत है, काफी पुराना पुराना फ्लाइट सब है, और मैक्सिमम आप नोटिस करना एयर इंडिया में ही आपको काफी पुराना पुराना फ्लाइट मिलता है। बाकी अब विस्तारा लो थोड़ा नया मिलेगा, इंडिगो भी देखा है मैंने काफी नया नया मिलता है, लेकिन एयर इंडिया ही आपको हमेशा कुछ ना कुछ पुराना या फिर टूटा हुआ चीज दिख जाएगा आपको। बाकी यहाँ पे कुछ कंट्रोलर है पता नहीं किस काम का है, देखो इसके अंदर स्क्रीन है लेकिन इन्होंने ढका हुआ है,
तो पहले स्क्रीन था इसमें, काम नहीं करता इसलिए इसको ढक दिया गया है। ऑलराइट, वैसे इस फ्लाइट का जो डिपार्चर टाइम है ना वो 2:15 का है, और देख लो अभी हम लोग जा रहे हैं रनवे पे। और आज का मौसम वैसे काफी बढ़िया है, घूमने वाला मौसम है। फ्लाइट के अंदर रहने से तो जितना खुला मौसम रहे उतना अच्छा लगता है, लेकिन ये जो आज का मौसम है ना ये पूरा घूमने वाला मौसम है। और वैसे 2:15 में ऐसे डिपार्चर टाइम है और 3:15 तक हम लोग चेन्नई पहुंच जाएंगे। 1 घंटे का फ्लाइट है ये, ऐसा बोलते हैं ये 1 घंटे का फ्लाइट है लेकिन 1 घंटे का होता नहीं है। चलो जी फाइनली अभी हम लोग रनवे पे आ चुके हैं। टाइम देख लो, मतलब टेक ऑफ करते करते लगभग 2:20 हो गया, तो देख लो अभी फ्लाइट का जो हाइट है ना वो काफी कम हो गया है, मतलब वापस से ही एकदम कोस्टल होते हुए जा रहे हैं। और अभी मैंने चेक किया कुछ लोगों को खाना तो मिल रहा है, मतलब खाना मिलेगा, इतने छोटे फ्लाइट में भी खाना दे रहे हैं भाई, और क्या चाहिए बताओ। ऑलराइट, तो लगभग ये अपना मैंने बताया आपको 1 घंटे का जर्नी है। टाइम देख लो 2:30 बज रहा है, 3:15 में हमारा पहुंचने का टाइम है। और इसमें भी हमें मील मिला है भाई, देख लो, मतलब एयर इंडिया का सर्विस इसलिए मेरे को बहुत पसंद है। आपको याद है श्रीलंकन एयरलाइन में उन्होंने एक रैप दिया था जो कि आप एक दो बार ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे बकायदा इन्होंने मील दिया हुआ है, देख लो, और क्या चाहिए बताओ यार, इतने छोटे फ्लाइट में भी मील दे रही है। क्या क्या है इसके अंदर वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। हम लोगों ने जानबूझ के एक वेज ऑप्शन भी ले लिया, एक नॉन वेज भी ले लिया है, ताकि आपको दोनों दिखा देंगे कि दोनों में क्या क्या है। और ये देख लो भाई साहब, राम सेतु देख लो, यहाँ से दिख रहा है क्लियरली एकदम। हाँ जी, तो देख लो वेज में मुझे कुछ ये मिला है, यहाँ पे राइस है, 2 टाइप का सब्जी है, मिक्स सब्जी लग रहा है, पनीर तो लग नहीं रहा है मुझे, पता नहीं ये पनीर है क्या, चेक करता हूँ मैं, नहीं नहीं पनीर नहीं है, 2 टाइप का मिक्स सब्जी है, राइस है, साथ में ये बन एक है, और यहाँ पे गुलाब जामुन भी एक है, और ये सैलेड मतलब वही है मूढ़ी है, स्नैक्स टाइप का कुछ है, साथ में दही और बटर भी है। और नॉन वेज में भी देख लो ऑलमोस्ट सब कुछ सेम है, बस आपको यहाँ पे चिकन मिल जाएगा, देख लो ठीक है। नॉन वेज अगर आपको लेना है तो ये भी ले सकते हो, लेकिन ये कोई एक पनीर का सब्जी होने से ना ज्यादा बेटर होता वेज वाले में। चलो खाना ट्राई करते हैं, बताते हैं टेस्ट कैसा है। स्टार्टिंग करते हैं ये राइस और ग्रेवी से। बढ़िया, जैसा वेज खाना होता है ना घर का, एकदम सिंपल खाना, लेकिन राइस अच्छा है, वो थोड़ा पुलाव वाला राइस लग रहा है। वैसे ये काफी कमाल का लगा मेरे को, देखो ये मूढ़ी जैसा है, मेरे को तो खाना से अच्छा ये लग रहा है, काफी चटपटा सा है, बहुत ही टेस्टी लग रहा है खाना। नो डाउट आपको एयर इंडिया पे बहुत अच्छा मिलेगा, और सबसे बढ़िया वाटर बॉटल भी मिला है, ये सब है। एक काम करते हैं फटाफट इन सबको कंप्लीट करते हैं फिर मिलते हैं। और वैसे देख लो हम लोग शायद मन्नार के ऊपर से जा रहे हैं। ऑलराइट, तो हमारा खाना ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है भाई, कितने दिनों बाद अपना इंडियन खाना खा के ना मजा आ गया, जो ये बोलो यार, ईस्ट एंड वेस्ट अपना इंडियन खाना इज बेस्ट। ये जो स्नैक्स टाइप का था ना मूढ़ी बोलते हैं हम लोग, ये देख लो एक्स्ट्रा मैंने मांगा वो भी मिल गया मुझे। अगर आप इसमें से कोई भी चीज एक्स्ट्रा मांगोगे ना वो बोलेंगे आफ्टर सर्विस, वो चेक करेंगे अगर उनके पास रहेगा तब वो दे देंगे। ऑलराइट, तो जिनके पास अभी श्रीलंकन पासपोर्ट है ना उनको एक फॉर्म फिलअप करने के लिए दिया गया है, देख लो इमिग्रेशन फॉर्म। और अभी देख लो भाई अपना इंडिया, ओहो लो जी देख लो इतने दिन बाद हमारा इंडिया, बहुत मिस किया, बहुत मिस किया। टाइम देख लो 3:15 का टाइम था, 5 मिनट लेट है, कोई दिक्कत नहीं है, देख लिया अपने देश को, देख लिया भाई मन खुश हो गया भाई, अपना इंडिया जैसा खाना, अपने इंडिया जैसे लोग, हालांकि चलो लोग हर जगह आपको मिल जाएंगे, अच्छे बुरे हर टाइप के लोग मिलते हैं। फ्लाइट से निकल चुके हैं और मेरा ऑफिशियली इंडिया में स्वागत हो चुका है। ऑलराइट जी, हमारा फाइनली इमिग्रेशन वगैरह सब कुछ हो गया डन, अभी अपने बैगेज क्लेम के लिए आ चुके हैं हम लोग। और एक बात है, इस बार हमारे साथ कोई क्वेश्चन नहीं हुआ, लवली से बस क्वेश्चन हुआ, वो भी क्वेश्चन क्या, मतलब बस आपका नेटिव प्लेस बताओ, यही सिंपल सा क्वेश्चन। मेरे से तो कुछ भी नहीं, बस पूछा उन्होंने कि आप कोलकाता से हो, मैं बोला यस, बस ठप्पा लग चुका, वेलकम टू अगेन इंडिया, आ जाओ अपने घर, अपना कोलंबो बेल्ट नंबर 6 पे आएगा। हाँ जी, तो अभी चेन्नई एयरपोर्ट के हम लोग बाहर तो आ गए, बाहर में एक स्टारबक्स दिख रहा था वहीं बैठ गया, एक्चुअली हमारा होटल वगैरह कुछ भी बुकिंग नहीं है चेन्नई में,
तो वही अभी सोचा चलो बैठ के एक जगह आराम से पहले बुकिंग वगैरह कर लेते हैं, और कल का मुझे कुछ टिकट भी बुक करना है तो वो भी सोचे एक बार बैठ के आराम से करते हैं, उसके बाद देखते हैं कहाँ पे होटल लेते हैं कहाँ पे नहीं। और आते ही देख लो हम लोगों ने कोल्ड कॉफी वगैरह ऑर्डर कर लिया है। ऑल राइट, तो सामने में देख लो किसी नए कार का टेस्ट हो रहा है, तो आप गेस करके बताओ ये कौन सा कार हो सकता है। हाँ जी, तो मैं आ गया था होटल चेन्नई में, कल शाम को ही हम लोग आ गए थे, फिर आने के बाद कहीं नहीं गए बाहर, बस रेस्ट ही कर रहे थे। ऐसा लग रहा होगा कि एक घंटे का फ्लाइट में भाई कौन ही थकता है, कोई थकता नहीं है एक्चुअली, हम लोग थके नहीं थे, मतलब एक होता है ना हम लोगों ने 12-14 दिन बैक टू बैक ट्रैवल ही किया था, तो इसलिए बोले कि चलो कोई नहीं आज रेस्ट ही करते हैं। और उठते ही देख लो भाई साहब पूरा पैकिंग वगैरह का काम चल रहा है, फिर हम लोग निकल रहे हैं, घर नहीं जा रहे अभी, अभी हम लोग निकल रहे हैं मतलब आप समझ लो केरला साइड कहीं जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं वो वीडियो में आपको आगे पता चल जाएगा। आप में से काफी लोगों का कमेंट आ रहा था कि मोहित भाई आप थोड़ा ट्रेन जर्नी दिखाओ, बहुत दिन हो गए आपका ट्रेन जर्नी देखे हुए, तो कोशिश करेंगे। देखो हम यहाँ से जहाँ मुझे जाना है ना, मैं डायरेक्टली फ्लाइट से भी जा सकता था, फ्लाइट मेरे को काफी सस्ते में मिल रहा था, लेकिन वही इंडिगो का फ्लाइट मुझे मिल रहा था, इसलिए मैं सोचा कि चलो एक काम करते हैं थोड़ा घूमते हुए जाते हैं, ताकि उसमें ट्रेन जर्नी भी दिख जाएगा आप लोगों को। और वैसे ही जो हमारा फ्लाइट था एयर इंडिया का, नो डाउट काफी बढ़िया फ्लाइट था, खाना देखकर तो मैं भाई इंप्रेस हो गया कि इतने छोटे फ्लाइट में भी इतना बढ़िया मील, मैं तो सोच रहा था बस वो छोटा मोटा रैप वगैरह कुछ पकड़ा देंगे, लेकिन इतना बढ़िया खाना वगैरह पूरा प्रॉपर खाना सर्व हुआ। और मैं बताना भूल गया, खाना खाने के बाद ना मतलब कॉफी भी सर्व कर रहे थे, लेकिन मैंने देखा मैक्सिमम लोगों ने कॉफी लिया नहीं, क्योंकि इतना हेवी मील हो गया था उसका, कॉफी कौन ही पीता है। तो काफी बढ़िया सर्विस लगा ओवरऑल, यही है फ्लाइट थोड़ा मतलब 14 साल पुराना फ्लाइट था, फ्लाइट का हालत भी खस्ता था आपने देखा होगा, बाकी जर्नी ओवरऑल काफी अच्छा था। और मैं बता दूं मैंने 2 टिकट बुक किया था 17,000 में, 8,000 समथिंग का कुछ मुझे ये फ्लाइट पड़ा था पर पर्सन, इस रेट में मुझे श्रीलंकन एयरलाइन भी मिल रहा था, तो कहीं ना कहीं देखो खाने पीने के मामले में एयर इंडिया ज्यादा अच्छा लगा मेरे को इस मतलब रूट में। ये बात तो है श्रीलंकन एयरलाइन भी काफी अच्छा है, मतलब इंफोटेनमेंट सिस्टम काफी अच्छा है उनका, सीट सब काफी बढ़िया है उनका, नो डाउट वो भी बहुत अच्छा है। आते वक्त मैंने श्रीलंकन एयरलाइन दिखाया था, इसलिए मैं सोचा था कि जाते वक्त इंटरनेशनल एयर इंडिया का कोई फ्लाइट मैं दिखा दूंगा, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल एयर इंडिया का फ्लाइट था, क्योंकि एयर इंडिया का फ्लाइट से कभी मैं मतलब इंडिया के बाहर से नहीं आया या फिर गया, तो ये भी एक्सपीरियंस अपना देख लिया मैंने। चलो ये वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते, होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा, अगर यहाँ तक देख लिया तो वीडियो को लाइक कर देना, और इसी के साथ श्रीलंका सीरीज होता है एंड। और हाँ, अगर आपको श्रीलंका सीरीज देखना है तो मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, अदरवाइज आप मेरे प्लेलिस्ट में भी जाके चेक कर सकते हो, श्रीलंका का पूरा सीरीज जो भी मैंने बनाया सब एक जगह आपको वीडियो मिल जाएगा, तो वो भी चेक कर लेना आप लोग। चलो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।